करणी सेना की ओर से जो वक्तव्य किया गया उसका निषेध करते हुए विधायक नितिन राउत अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। उन्होंने कहा है कि भीमा कोरेगांव में शौर्य दिवस 1 जनवरी को पहले की तरह ही मनाया जाएगा। करणी सेना द्वारा जो वक्तव्य किया गया है भीमा कोरेगांव को लेकर क्या बताओगे आप? देखिए, बाहर से कोई भी आकर अगर हमको इस प्रकार की धमकियाँ अगर दे रहा होगा तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इस प्रकार से धमकाने का कोई कारण नहीं है। अगर उनमें उनके शरीर में कोई दमखम है तो वो निश्चित रूप से 1 तारीख को भीमा कोरेगांव का शौर्य दिवस है उस दिन आकर बताए, उस स्तंभ को गिराकर बताए, उस कार्यक्रम को रोककर बताए तो हम मानेंगे। अभी आगे 1 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वहाँ पे किस तरह के मतलब आपके ओर से प्रयोजन होगा वहाँ? नहीं, लाखों भीम सैनिक वहाँ हर साल आते हैं और खुद ब खुद आते, कोई उनको निमंत्रण नहीं देता है। और ऐसे में इस प्रकार का वातावरण दूषित करने का अगर कोई कार्यक्रम कर रहा होगा तो उसको हम बिल्कुल कदापि सहन नहीं करेंगे। तो जिस तरह से करणी सेना की ओर से वक्तव्य किया गया है उसका जो बाहर से आके कोई भी ऐसा वक्तव्य करता है उसे सहा नहीं जाएगा, ऐसा नितिन राउत इन्होंने कहा है। और 1 तारीख को जिस तरह से वो कार्यक्रम होता है वो होकर रहेगा, यह भी उन्होंने कहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।